नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं संवाद। आज हम बात करेंगे बिहार के चुनावों की है। जी हाँ, चुनाव उस भूमि पर जिसके लिए ये कहा जाता है कि सामाजिक चेतना की भूमि है, चुनाव उस भूमि पर जो जननी है आंदोलन की। बिहार की बात कर रहे हैं हम, जिसने अशोक सम्राट दिया था, जिसने विश्व भर में भारत का जो मानचित्र है वो इतना विशाल कर दिया था, जिसके कारण उन्हें अशोक महान कहा जाता है। जननी है बिहार आंदोलन की, जननी है बिहार मोक्ष की, जो गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था। हम आज बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार चुनावों की बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस चुनावी चर्चा पर है मिश्रा जी और जेपी झा, जो चर्चा करेंगे हमारे साथ। मिश्रा जी, मैंने इतनी बात कही, बिहार आंदोलन की जननी है, बिहार नेताओं की भूमि है, बिहार जिसने गौतम बुद्ध को मोक्ष प्रदान किया, मगर हालात देखिए तो विकास नहीं हुआ है। आज चुनाव हैं तो क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव है, बहुत प्रकार के वादे हर साल चुनाव में होते हैं। इस बार एक चीज़ कम से कम अच्छा उभर करके आया है देखने में, कि आरजेडी ने पहले बोला कि हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, फिर बीजेपी ने अपने एजेंडे में लिया कि हम 19 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। एक्चुअल में बिहार की जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो लोग हैं उनकी इच्छा शक्ति एकदम हम बोल देंगे कि मर गई है। इच्छा शक्ति में कभी भी बिहार के विकास के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, अपने विकास के बारे में ज़रूर सोचा। जो भी व्यक्ति एक बार चुनाव लड़ कर के आता है तो वो पूरा अपने आप को, अपना पूरा परिवार जो है, 7 पीढ़ी तक कितना लूट खसोट कर ले, कितना खा ले पचा ले, वो सब में लग जाते हैं। अगर वहाँ के लोग में अगर इतनी इच्छा शक्ति आ जाए तो आज बिहार के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिहार जो है खनिज संपदा से एकदम पूरा भरपूर मात्रा में संपन्न है। वहाँ कई प्रकार की, वहाँ एक यहाँ की जो भूमि है बिहार की वो इतनी उपजाऊ है कि एक साथ में 4-4 फसल होते हैं, लेकिन वहाँ बाढ़ कभी सुखाड़, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होने के कारण खेती से कुछ होता नहीं है। कल कारखाना किसी ने लगाया नहीं, जिसके कारण लोगों को पलायन करना पड़ता है। और वहाँ जो शिक्षा से लोग लेकर के जो बाहर निकलते भी हैं, वहाँ से फिर मुड़ करके बिहार के तरफ वो भी नहीं देखते हैं। हम जैसे जो बाहर जो लोग रहते हैं, वो भी हमारे गांव के तरफ हम भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम दोनों तरह के फंसे होते हैं, दो चाक के बीच में फंसे होते हैं। यहाँ पर अपने परिवार को देखें या वहाँ पर जा कर के अपने समाज को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार, माता पिता, भाई वगैरह तक हम लोग सीमित रह जाते हैं, आगे हम भी कुछ कर नहीं पाते हैं। हमारे साथ छात्र नेता भी जुड़े हुए हैं, जेपी झा। झा जी, मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूँगा कि आज आरजेडी महागठबंधन ने 10 लाख नौकरी की बात की है, बीजेपी ने भी मैनिफेस्टो में रोजगार की बात की है, मगर इतने सालों से हम पहले कहते थे कि लालू प्रसाद ने बिहार का जो कायाकल्प है वो बिगाड़ दिया, मगर 15 सालों से बीजेपी और नीतीश कुमार भी वहाँ, जिसे सुशासन बाबू हम कहते थे, तो सुशासन बाबू के राज में का हालचाल बा, का बा बिहार के? बिहार में कभी गाना भी चलिए, बिहार में का बा नौमी फेल बा। तो सबसे पहले जब हम सिनेरियो जाते 1980 के बाद जो बिहार का जो राजनीतिक बदलाव हुआ, 1980 तक एक तरीके से आप कह सकते हैं 1947 से 1980 के बीच को जो बिहार के युवा थे या बिहार में जो एक ललक थी वो काफ़ी अच्छी बजी। क्यों? क्योंकि उस समय क्या थी, झारखंड जो थी वो बिहार में मर्ज थी, तो अपने क्या था, उत्तर भारत बिहार जो था, उत्तर बिहार वो अपना खेती में निर्भर था और दक्षिण बिहार के पास काफ़ी अच्छा फैक्ट्री थी, स्टील थी। जब हमारी झारखंड अलग होती है 2000 में, जो लालू जी के सो कॉल्ड गुंडा राज, या कहिए कि गुंडा राज का एक 1990 के बाद जो दौर चली, 1990 से करीब 2000 तक की जो दौर चली, उसमें काफ़ी मंडल कमीशन आई, उसके बाद आरक्षण बेस्ड आई, तो उस राजनीति काफ़ी, बिहार की जो राजनीति रही काफ़ी उतार चढ़ाव रही। 2000 में झारखंड भी अलग हो जाती है और बिहार अलग बन जाते, तो उसमें बिहार के पास सबसे बड़ा घाटा आती है, जो आज तक सबसे ज़्यादा अगर लालू जी के अपने जीवन में मैं कलंक मानता हूँ एज ए युवा, एज ए यूथ लीडर, उन्होंने झारखंड को बांटकर सबसे बड़ा बिहार को कलंक किया। मिश्रा जी, ये बताइए का वा बिहार में? नौकरी की बात होती नहीं है, अभी भी जाति की बात होती है, हम की बात होती है, यादव की बात होती है, अगड़े पिछड़ों की बात होती है, तो सुशासन बाबू ने क्या किया 15 सालों में? देखिए, एक कहावत है कि जो बिगड़ गया उसको बनाने में टाइम तो लगता है। सुशासन बाबू बीजेपी के सहयोग से
थोड़ा मोरा पटरी पर लाने का कोशिश किए थे, लेकिन बीच में फिर वही लालू यादव के पास में चले गए थे, तो जितना उन्होंने पहले से बनाया था उससे ज़्यादा फिर से बिगड़ गया। जाति प्रथा जो जातवाद जो वहाँ का सबसे बड़ा जो कोर जिसको बोला जाए, सबसे बड़ा जो रोग है, आज भी वहाँ के जो लोग हैं उनकी मानसिकता जो है जाति से ऊपर उठ करके नहीं देखती है। वो लोग अच्छे लोगों को चुन नहीं पाते हैं, जिसके कारण गुंडे मवाली जितने भी हैं वो सब चुनाव में आ जाते हैं, और चुनाव जीतने के बाद में वो समाज का कुछ नहीं करते हैं, वो अपना ही सब कुछ करते हैं। और ये सबसे बड़ा कोर है हमारे बिहार के राजनीति का, सबसे बड़ा रोग यही है कि वहाँ से जब तक जात पात नहीं हटेगा, जात पात के नाम पर जब तक वोटिंग होता रहेगा, तब तक बिहार का विकास मेरे हिसाब से संभव नहीं। जे पी झा जी से पूछते हैं हम कि झा जी ये बताइए कि अभी भी आप बिहार होके आए, आपने देखा बिहारी माहौल क्या है, बिहार में चुनाव का माहौल क्या है, क्या लगता है अभी भी जातीय समीकरण विकास के मुद्दों पर हावी है या जातीय समीकरण अब कुछ कम हो रहा है वहां पर? देखिए, जातीय समीकरण बिहार चुनाव में हर एक बार, हर एक चुनाव में 5 साल बाद वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है जातीय समीकरण, क्योंकि जब बिहार एक तरीके से टिकट भी आप बांटते हैं तो पहले जात देखते हैं कि हमारा यादव का वहाँ पे कितने परसेंटेज वोट है, पासवान का कितने परसेंटेज वोट है, सवर्ण का कितने परसेंट वोट है। जाति का बात सब नेता करते हैं कि हमको जाति से उठ के लड़ना है। अरे भैया, जब आपको जाति से उठ के लड़ना है तो आप अपना टाइटलवा में काहे लिखते हैं कि यादव बानी तो यादव के सपोर्ट करिए, तो ये आप एक तरफ से बोल रहे हैं कि हम जाति को ख़त्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप जब विधायक के लिए लड़ रहे हैं तो मंच पे जाके कहते हैं चाहे हम पंडित बानी तो हम पंडित जी इतना हमारा वोट दिया, तो कैसे काम चली? आप ये तो हो गई ड्यूअल माइंडेड बात, जिसको दुगलापन कहते हैं राजनीति में। अगर नेता को, अगर विजनरी, जैसे अभी का माहौल जैसे देख सकते हैं आप चिराग पासवान को, एक विजनरी पुष्पम प्रिय चौधरी, 2-3 लीडर नए उभर रहे हैं युवा के तौर पे, मैं मानता हूँ उनके पास अच्छी एक राय के साथ, वो जो चिराग पासवान रामविलास पासवान के जो सुपुत्र है वो एक अच्छा विजन के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा इस चुनाव में कि पब्लिक उन्हें कितना सपोर्ट करती है। मिश्रा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप देखिए तो पिछले चुनावों में हर बार जातीय समीकरण हावी रहा, ऐसा कहा जाता है कि बिहार की चाय की जो दुकानें होती हैं सड़क के किनारे, जो चौराहे होते हैं, वहाँ राजनीति चर्चाओं का स्तर नेशनल जो टीवी है उस पर जो डिबेट होते हैं उससे भी अच्छा रहता है। तो क्या कारण है कि लोगों में सामाजिक चेतना तो है, लोगों में ज्ञान तो है, मतलब आप चौराहे पर बैठ जाइए तो यकीन मानिए आपको ब्रह्मांड का ज्ञान मिल जाएगा, मगर क्या कारण है कि यह ज्ञान बिहार को विकास नहीं दे पाया, माइग्रेशन नहीं दे पाया? IAS IPS सबसे ज़्यादा बिहार से निकलते हैं, मगर उसी बिहार जो है विकास से वंचित रह गया, और आने वाले दिनों में क्या हम इन सरकारों से उम्मीद कर सकते हैं कि वो विकास की राह पर चलेंगे या फिर वही जातीय समीकरण की लड़ाई और होड़ होगी? देखिए, क्या है, मेरा जहां तक सोच ये है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियों में इच्छा शक्ति की इतनी कमी है, वो चाहते नहीं है कि किसी भी समाज का विकास हो, हमारे बिहार का विकास हो। वो इसलिए, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि कोई MP MLA यहाँ पे आया, जैसे हमारे यहाँ गांव में जो चौपाल होता है ना, जिसको आपने चाय मोर चट्टी जिसको बोलते हैं, तो गांव में जो चाय मोर चट्टी पर जो चर्चा होता है वहां पर संसद से लेकर के और व्हाइट हाउस तक की चर्चा हो जाती है। लोगों में टैलेंट की कमी नहीं, आपने जैसा बताया वो सब होता है, लेकिन जब नेता जब आता है तो नेता उसी में से एक के ऊपर कंधे पर हाथ रख देगा और वो बोलेगा, तो अब वहाँ पर वो एक आदमी जो है अपने आप को नेता के करीबी समझने लगता है, और उसके कारण जो है वो नेता थोड़ा उनके पास में थोड़ा चारा डाल देता है और वो थोड़ा मोड़ा करके और पूरा अपना लूट घसोट मचाते रहता है। चलिए, अंतिम सवाल JP झा जी से, सवाल ये कि देखा आपने कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूरों को अन्य राज्यों से छोड़कर बिहार जाना पड़ा, वापस बिहार जाना पड़ा, काम धंधा बर्बाद ठप हो गया, अगले कुछ महीनों तक काम धंधे से वंचित रहेंगे। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने वहाँ अब प्रवासी मजदूरों को वहाँ पर स्थानीय जगह पर नौकरी देने के लिए प्रयास तेज किए। बिहार में ना तो ऐसी कोई पहल देखने को मिल रही है और ना ही जो युवा हमारे छात्र हैं उनका माइग्रेशन रुक रहा है, उस विषय में क्या कहेंगे और हमारी युवाओं की क्या जिम्मेदारी है बिहार को विकास के राह पर वापस लाने के लिए और बिहार को योगदान देने के लिए?
देखिए इसमें दो तीन पॉइंट हमें देखना होगा। सबसे पहले कि माइग्रेशन का, अगर हम पहला बिंदु लेते हैं कि माइग्रेशन के ऊपर, तो मैं मानूंगा कि नीतीश कुमार जिनको सो कॉल्ड सुशासन बाबू, पूरे निकम में पूरे 15 साल में उन्होंने बिहार को, हम नहीं मानते कि उन्होंने 5% भी ग्रोथ उनको जो करना चाहिए नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, चाहे वजह जो भी रही हो, अगर आपके यहाँ से 29 लाख लेबर अगर माइग्रेट करते हैं और आपके पास जॉब नहीं है, आपको जब सेटअप के लिए होती है तो आप कहते हैं कि समुद्र के किनारे तो हमारा राज्य बसा ही नहीं है, तो हम कहाँ से इंडस्ट्री सेटअप करें, तो आप इससे बढ़िया इस्तीफा दे दे, दूसरे को आप चांस दे। मैं ये, आप बिल्कुल उसमें आप बिल्कुल फेल हुए हुए। अगर माइग्रेशन करता है, माइग्रेशन सब जगह है, पूरे इंडिया में माइग्रेशन है, हर एक राज्य के जाते हैं। ये आप चले आइए गुजरात में, तो गुजरात के लोग यूएसए कनाडा जाते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि परसेंटेज ज़्यादा है। आपके यहाँ अगर पढ़े लिखे 50% लोग बाहर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कमियाँ तो है। अब आपने क्या किया कि रोड एक सही बना दिया, लालू जी के जो सदमे से उभरे थे बिहार, उसके बाद आपने रोड सही बना दिया। तो रोड सही बना देने से नहीं होगा ना, आपको बेसिक नेसेसिटीज़ तो देना होगा, आपको कम से कम इंडस्ट्री सेटअप तो देना होगा। आप माने बड़ा उद्योग नहीं मंगा सकते, छोटा उद्योग आप लगाइए, युवाओं को आप कम से कम वो जो इंटरप्रेन्योरशिप के तहत आगे कीजिए, ताकि वो अब बैंक के लिए, एक मैं अगर चाहूं कि सेटअप अपना खुद का बिहार में तैयार करूं, तो खुद के सेटअप तैयार करने से पहले क्या है कि हमें बैंक लोन के लिए हमें 3 महीने तक उनकी चक्कर काटनी होगी। अब उनको भैया को कमीशन दीजिए, तब भैया हमारा लोन ग्रांट करवाएंगे। 10 लाख का बिजनेस सेटअप करते, उससे पहले 5 लाख तो हमें इधर ही चले गए। तो सबसे चीज़ ये है, अब ये आई कहाँ से, ये भी हमें सोचना होगा। नेता तो एक दिन में बन नहीं जाते हैं, नेता को तो पब्लिक ही वोट देता है ना, तो पब्लिक को भी ये चीज़ सोचना होगा कि हम लोगों को भी, कि हम जिस नेता को चुन रहे, हम पार्टी पर ना जाए, ये हमारी जो चुनाव है इसमें हम पार्टी पे ना जाकर। नहीं, मैं आपसे बात करूंगा कि बिहार के जो छात्र हैं उन्हें दिल्ली दिखता है, दिल्ली और मुंबई दिखता है, तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि वहां के छात्र जो हैं बिहार में कुछ ऑप्शन ढूंढें? बिहार में एम्स आने की भी उम्मीद है, मगर कॉलेजेस ज़्यादा खुल नहीं रहे हैं। बिहार का छात्र या तो महाराष्ट्र जाता है, या कर्नाटक जाता है, या गुजरात आता है पढ़ने के लिए। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी कभी पक्की नहीं होती। पिछली बार नीतीश कुमार जो आज भाजपा के साथ लड़ रहे हैं, महागठबंधन था, उस समय नारा था कि बिहार में बाहर बा नीतीश कुमार बा, इस बार नारा है बिहार में का बा। एक तरफ नीतीश कुमार जो कि लोग सुशासन बाबू बोलते हैं, और दूसरी तरफ नोवी फैल तेजस्वी, तो क्या कहेंगे बिहार में का बा मिश्रा जी? देखिए ऐसे तो बिहार में देखल जाओ तो सब कुछ बा, ऐसा बात नहीं है कि बिहार में कुछ नहीं है। बिहार ऐसा नीतीश कुमार बा की तेजस्वी बा नहीं, नीतीश कुमार के सामने दूसर केहू नहीं है, एनडीए के सामने कोनो विकल्प नहीं है, दूसर ऐसा सामने मैंने केहू नहीं है दिखाई दे, जैसे सेंट्रल में मतलब मोदी जी के सामने केहू नहीं है, वो नीतीश के सामने भी वहाँ केहू नहीं है, लेकिन थोड़ा नीतीश जी के भी आपन प्रबल शक्ति के और इच्छा शक्ति के बढ़ावे के परी कुछ कल कारखाना कुछ ऐसा व्यवस्था, जैसे झा जी कहनी है कि माने वहाँ छोटा छोटा उद्योग भी लगावल जा सका था, सुशासन जैसे रोड रास्ता पानी ये तीन गो माने बिजली ये जो जरूरत बा, अगर ये तीन गो बढ़िया व्यवस्था हो जाए तो यहाँ से भी लोग बहुत लोग जा करके छोटा मोटा काम लगा सका था। अभी हम जैसे गांव से जा करके 10-11 तारीख के गांव से हम नहीं है, गांव में देखा नहीं रोड वह एक साल पहले बना रहे या फिर से वह रोड के वह हाल बा, तो रोड जौन बनता जौना हिसाब से वह कॉन्ट्रेक्टर के दे तनी, वो कॉन्ट्रेक्टर में का करता ओकरा ऊपर भी मॉनिटरिंग के जरूरत बा। रोड बना जाता है खाली एक बार बनता है, एक बार 6 महीना के अंदर में फिर से वह हाल हो जाता, तो कहीं ना कहीं कमीशन में ज़्यादा हो जाता कमीशन, तो भाई ओकरो अगर कुछ 2 पैसा बची ना है, हम एगो कॉन्ट्रेक्टर से वहाँ बात करनी तो कहल कि बाबू जैसे हमने का कॉन्ट्रेक्ट अलॉट होला तो एक बाद हिंकरा आधा चाहिए हिंकरा चौथाई चाहिए तो हमने का डालब सका, तो ए हिसाब से वो बात करता, तो इसे थोड़ा सा उनकरा के वहीं पर कंट्रोल करके थोड़ा सा मतलब मसाला कम करे वहाँ के अपन नेता लोग कम अपन कमीशन लेवे और रोड रोड पानी बिजली थोड़ा ज़्यादा रहे तो अच्छा रहे। जा जी संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, क्या लगता है चुनाव के बाद का समीकरण आपने महाराष्ट्र में देखा तो बिहार में उम्मीद नहीं लगती है कि जहाँ गणित बिगड़ा या जहाँ गणित कुछ इधर उधर हुआ नीतीश बाबू कहीं भी जा सकते हैं, सरकार एनडीए की भी बन सकती है या तेजस्वी को वापस संजीवनी मिल सकता है जिस तरह से नीतीश बाबू ने पिछली बार लालू यादव को संजीवनी दी थी, तो इस बार वापस से कुछ समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं आपको? वैसे नौमी फेलवा तो कहते था कि पलटू चचा कखनियों पलट जाए, तो पलटू चचा का कहाँ है, लेकिन एक एक पॉलिटिकल वे से आप जाते हैं
तो बीजेपी, और देखिए इसमें एक समझने वाली चीज़ है, बीजेपी एनडीए में रामविलास पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी भी है, लेकिन जहाँ पे जेडीयू इलेक्शन लड़ा रहा है वहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी की कैंडिडेट भी लड़ रही है। अब समीकरण यह देखना है कि जेडीयू ज़्यादा सीट लाती है या लोक जनशक्ति पार्टी ज़्यादा सीट लाती है। एनडीए के पास दोनों ऑफर है, भारतीय जनता पार्टी के पास। बीजेपी अगर 190-180 भी सीट ले आई, 90 सीट ले आई, तो इनके पास 30-40 और विधायक चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए। तो इनके पास तो ऑप्शन है, दोनों हाथ में लड्डू है, या तो लोक जनशक्ति पार्टी नहीं तो जेडीयू। लेकिन इस बार जेडीयू की खटिया खड़े करने में चिराग पासवान हो, या पुष्पम प्रिय चौधरी हो, या आशुतोष हो, राष्ट्रीय जनजन पार्टी हो, या फिर पुलरल्स हो, या फिर आपको सहनी की पार्टी हो, मतलब तमाम पार्टियां लगे हुए हैं जेडीयू को ख़त्म करने में। तो इस बार का चुनाव देखने लायक होगा कि सरकार किसकी बनती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो देखने लायक होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि सरकार कौन बनाता है। चलिए, चुनावों की बेला में बिहार की बात हुई, और यूं कहा जाता है कि यूपी और बिहार जिस पार्टी का दामन थाम ले उस पार्टी की नैया पार हो जाती है। और इस बार बिहार चुनाव के समीकरण बहुत ही दिलचस्प होने वाले हैं, और यकीन मानिए सिर्फ वोटों की गिनती नहीं, वोटों के गिनती के बाद भी राजनीति का जो अखाड़ा है वो थमने वाला नहीं है। जो पर्दे पर दिख रहा है वो राजनीति अलग है, और पर्दे के पीछे की राजनीति शायद उससे भी दिलचस्प ना हो। इसके लिए संवाद से जुड़े रहिए, संवाद पर हम आपको हर गतिविधि पर बताएंगे, चर्चा करेंगे। संवाद को पसंद करिए और लाइक करिए और अपने कमेंट जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद।